तो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो गाइस। तो आज हम बात करने लगा इस एक कोरियन ड्रामा के बारे में जिसका नाम है गाइस वॉक ऑफ लव, जो कि 2018 में आया था गाइस। एक कोरियन रोमांस ड्रामा गाइस, जो कि हाल फिलहाल में गाइस ये हिंदी डब के साथ में आ चुका गाइस अमेजन म्यूजिक गाइस और एमएक्स प्लेयर पे, जहां पे गाइस ये जो ड्रामा है गाइस आप इसको देख सकते हो एकदम फ्री में। और बात करें गाइस इसकी स्टोरी के बारे में, क्या आपको देख मिलता है, कितना एपिसोड और कितना ड्यूरेशन देखने को मिला होगा। आई नो कि मतलब कि बहुत लोगों ने इस ड्रामे को देख लिया होगा लेकिन लास्ट तक नहीं देखा, कितना अच्छा खासा इसमें हैप्पी एंडिंग देखने मिलता है। तो चलिए गाइस बात करते हैं इसमें आपको, इसमें गाइस आपको टोटल गाइस 19 एपिसोड देखने मिलता है और हर एपिसोड जो कि लेंथ होने लगा आपको 1 घंटा देना पड़ता है, मतलब आपको 19 घंटा इस ड्रामा को खत्म करने के लिए देना पड़ेगा। तो बात करते हैं इसके स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है एसीओ पोंग नाम का एक बहुत अच्छा खासा मार्शल शेफ रहता है, बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनाते रहता है और एक मतलब कि जियांट होटल में वो काम करते रहता है, जहाँ पर उसकी एक पत्नी रहती, जहाँ पर उसकी जो पत्नी रहती उसको तलाक दे देती, जहाँ पर जो कि जिस कंपनी में जो कि एसीओ पोंग काम करते रहता है उसी कंपनी के सीईओ के साथ में जो कि एसीओ पोंग की पत्नी का चक्कर चलते रहता है, जहाँ पर उसको डिवोर्स दे देती, जहाँ पर एसीओ पोंग का उधर दिल टूट जाता है, जहाँ पर उसको मतलब कि एसीओ पोंग जो रहता है वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहता है। तभी एक दिन उसको मालूम पड़ता है कि जो एसीओ पोंग की जो बीवी है वो मतलब इसको पेट में बच्चा रहता है उसको भी गिरा देती है, जहाँ पर एसीओ पोंग का वहाँ से दिल टूट जाता है और दोबारा और अपनी पत्नी को देखने जाता है। तभी उसके लाइफ में गाइस एक आदमी की एंट्री होती है जिसका नाम रहता है चिलसंग, चिलसंग रहता है एक गुंडा टाइप रहता है, जहाँ पर इसको मतलब कि लोन से हर किसी को पैसा देते रहता है और उसका बहुत ज़्यादा वहाँ पर चलते रहता है, जहाँ वो भी एक रेस्टोरेंट खोल के बैठा रहता है लेकिन उस रेस्टोरेंट में कोई भी आदमी खाना खाने के लिए जाता है क्योंकि जो कि वहाँ पर जो कि शेफ रहते हैं उन लोग भी मतलब कि गुंडे वाले रहते हैं और लोग खाना बनाने नहीं आते। जहाँ पे गाइस जो एसीओ पोंग रहता है उस रेस्टोरेंट में जाता है काम करने के लिए, जहाँ पर गाइस वो मतलब कि बहुत दिन तो बहुत समय तो लगता है लेकिन वहाँ पे जो एसीओ पोंग वहाँ पे एग्जस्ट हो जाता है, जहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाता है, जहाँ पे बहुत लोग वहाँ पे आने लग जाते हैं। और बात करें गाइस एसीओ पोंग की जिंदगी में एक बहुत अच्छी सी लड़की आती है जिस उसका नाम रहता है सो डायो, जो कि बहुत प्यारी सी बहुत खूबसूरत सी ये जो लड़की रहती है उसकी जिंदगी में आती है। जहाँ पर सो डायो उसकी भी एक मतलब की जिंदगी में पास होता है, जहाँ पर सो डायो को मतलब कि उसके जो फादर रहते हैं, जहाँ पर बैंकक्रप्ट के चक्कर में उसके जो फादर रहते हैं वो जेल में चले जाते हैं, जहाँ पर उसके डैड को फंसा दिया जाता है और उसी दिन पे सो डायो को मतलब कि उधर शादी रहता है, उसी दिन जहाँ पर उसकी शादी नहीं हो पाती उसका जो कि फियांसे रहता है वो भी उस शादी के दिन नहीं आ पाता, जहाँ पे सो डायो बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने आप को मतलब कि गिल्ट महसूस करती रहती है और बहुत मतलब दुखी रहती है। जहाँ पर इन दोनों की मुलाकात हो जाती है मतलब कि एसीओ पोंग और सो डायो की, जहाँ पर इन दोनों की मुलाकात होती है, जहाँ पर सो डायो मतलब कि सीओ पोंग को पसंद करने लग जाती है, वहीं पर जो कि चिलसंग रहता है जो कि गुंडा टाइप रहता है वो भी मतलब कि सीओ डायो को मतलब पसंद करने लग जाता है। और इन दोनों से देखते गाइस जो कि सीओ डायो रहती है किसको पसंद करती है, क्या वो चिलसंग को पसंद करेगी या एसीओ पोंग को पसंद करती है। और वहीं पे का जो कि एसीओ पोंग जो रहता है वो मतलब कि बदला लेने के फिराक में रहता है कि कब वो जहाँ से इस होटल में उसको निकाल दिया जाता है, जहाँ पे वो मार्शल शेफ का काम करता रहता है, उस होटल से जैसे वो निकल जाता है तो मतलब कि हमेशा दाग बिछा रहता है कि वो कब उस होटल से बदला ले पाए और दोबारा वहाँ से वो काम कर सके, वहाँ पे उसका वही ख्वाहिश रहता है। और क्या एसीओ पोंग और सो डायो वो अच्छी जिंदगी जी पाएंगे, क्या इन लोग की हैप्पी एंडिंग देखने को मिलने वाला है। वहीं पर चूँकि इसमें एक ही मलाल होता है गाइस, जहाँ पर गाइस मैं आपको बता देता हूँ, बताना नहीं चाहिए, इसमें जो कि चिलसंग रहता है गाइस इसमें एक और लड़की आती है गाइस, जहाँ पे इन दोनों का लगता है कि हाँ कुछ एंगल हो सकता है लेकिन गाइस एंडिंग में उसका किसिंग नहीं दिखा पाएगा इसका। अगर हैप्पी एंडिंग तो इन दोनों का दिखा दिए एसीओ पोंग और मतलब कि सीओ डायो का, मतलब कि कम से कम मतलब कि चिलसंग का और जो एक लड़की रहती है नर्स मतलब कि एक डॉक्टर थी, इन दोनों का अगर हैप्पी एंडिंग के साथ में अगर क्लोजअप दिखाया जाए तो और ज़्यादा मजा आ सकता था। और वहीं पर गाइस कि सीओ पोंग रहती है मतलब उसकी जो एक्स जो वाइफ रहती है उसको भी मतलब लास्ट में दिखाया नहीं गया, तो भी दरअसल गाइस तो भी मतलब कि ये ड्रामा मेरे को हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप इस ड्रामे को बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो। आई होप गाइस अगर इस ड्रामे को आप एक बार पकड़ दोगे तो आप इसको स्किप भी नहीं करोगे, क्योंकि मैं खुद इस ड्रामे को मैं कल रात से देख रहा हूँ और अभी तक इसको स्किप नहीं किया हूँ, और जैसे मैं इसको मतलब कि ख़त्म किया था इसे मैं आपको रिव्यू करके बता रहा हूँ विदाउट स्किप के, मैं गाइस इस ड्रामे को बता रहा हूँ, बहुत अच्छा खासा ड्रामा है। इस ड्रामे को आप अच्छी तरह से वॉच कर सकते हो, बहुत कुछ आपको सीखने मिलता है और बहुत कुछ आपको इसमें समझने को मिलेगा कि क्या एक रोमांस का और क्या एक मतलब कि जिंदगी रहती है असली वाली कैसी आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये गाइस जाइए गाइस इस ड्रामे को देखिए गाइस, वॉच कीजिए गाइस अमेज़न मिंटी गाइस और एमएक्स प्लेयर पे। ये था गाइस आज के लिए मेरा रिव्यू, होप गाइस आपको हमारा ये रिव्यू अच्छा लगा, रिव्यू अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसे अपडेट आपके लिए लेके आते रहेंगे गाइस हिंदी डब के साथ में, कोई भी ड्रामा हो चाइनीज ड्रामा या कोरियन ड्रामा। मिलते हैं गाइस कल के दिन पे।